मुंबईतील इंडिया अलायन्स बैठकीचे आयोजक होस्ट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते देशाचे माननीय शरद पवारजी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोकरावजी चव्हाण नानासाहेब पटोले आलेले आहेत प्रांताध्यक्ष नानासाहेब पटोले काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नानासाहेब पटोले ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात शेका पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शेका पक्षाचे प्रमुख जयंतराव पाटील सुप्रियाताई पवार सुप्रियाताई सुळे युवासेनेचे अध्यक्ष श्री आदित्य ठाकरे आणि इथे उपस्थित उपस्थित सभी सभी पार्टी के सभी मान्यवर नेतागण और पूरे देश भर से जो मीडिया आया है उन सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की प्रेस वार्ता बहुत ऐतिहासिक है हिस्टोरिक है पाटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया अलायंस मुंबई में मिलने जा रही है और उस बारे में सभी जानकारी जो आपको चाहिए जो कल से शुरू होने जा रही है उस बारे में आपसे बातचीत करने के लिए सभी नेतागण उपस्थित है आपने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडियामय हो गया है पूरे देश में इंडिया की सिर्फ तीन बैठकें हो गई हो रही है लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया ये इंडिया की सिर्फ दो बैठकों का कमाल है लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए तब लालू जी को पूछा गया पत्रकारों से लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे हो तो लालू जी ने कहा मोदी जी के नरड़ी पर बैठने जा रहा हूं ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण तो है जैसे आदित्य जी आप बोल रहे थे आज फिर एक बार चाइना अंदर घुस गई है आक्रमण किया है अपने जमीन पर लडाख में अरुणाचल प्रदेश में लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगी ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है आज उद्धव जी शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कल और परसों 31 अगस्त एंड एक सितंबर के इंडिया मिट की पूरी तैयारी कर चुके हैं सभी प्रमुख नेता सभी प्रमुख दल जो पाटना में थे जो बेंगलोर में थे वो मुंबई में आ रहे हैं लालू यादव जी का आगमन हो गया है डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है ममता बनर्जी का आगमन हो गया है कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सोनिया जी राहुल जी सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे अखिलेश जी आएंगे नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल जी हेमंत सोरेन जी ये सभी मुख्यमंत्री छह राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ स्टालिन साहब छह राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेता गण आएंगे आपके मन में जो भी प्रश्न है जो भी शंकाएं है उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन मैं आपको एक विनंती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लंबा मत खींचे जो काम की बात है वो करिए और अब मैं नाना पटोली जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है उसकी तैयारियां पास पास पूरी हो चुकी है महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू हुए बैंगलोर में हमारे हम लोग 26 लोग थे यहाँ आने के बाद 28 हुए जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन वैसा ही चीन पीछे हटेगा और इसीलिए आज हम एम के तरफ से आदरणीय हमारे महाराज के नेता राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी उद्धव ठाकरे जी शरद हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राव जी ने आप लोगों को कराया है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे आदरणीय शरद पवार जी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी आदरणीय नाना पटोले जी मंच पे बैठे हुए हमारे एम के महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन बंधन की शुभकामनाएं देता हूं और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी जैसे हम हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है ये आज का दिन यह महत्वपूर्ण है ऐसे मैं मानता हूँ इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है सभी राजनीतिक दल तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में महागठबंधन में इंडिया के गठबंधन में आज शामिल हुए हैं और सभी पार्टीज़ के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं आपने देखा कि इससे पहले दो मीटिंग्स हमारी सम्पन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है फख्र की बात है कि आज मुंबई की इस मीटिंग में सभी यहाँ पर मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जन्मभूमि है संत महात्माओं की ये जन्मभूमि है और शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों की ये महाराष्ट्र है इसीलिए मुंबई में इसका इसकी मीटिंग होना एक अलग महत्व रखता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य के एक महान प्रतीक उनका एक उनकी इमेज रही है संत महात्माओं ने दिया हुआ मानवता और भाईचारे का संदेश हमेशा महाराष्ट्र हमने अपनाया है उससे उससे आगे हम बढ़े हैं और इसीलिए शशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर इंडिया आगे बढ़ने का हमारा सबका उद्दिष्ट है प्रयास है और मुंबई खास करके जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है स्वतंत्रता आंदोलन हो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो औद्योगिक कृषि क्रांतियाँ हो तो महाराष्ट्र हर एक, हर रेवोल्यूशन में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है और महाराष्ट्र ने देश को लीड किया है और राजनीतिक क्रांतियां भी जितनी हुई है वो मुंबई और महाराष्ट्र उसका एक केंद्र रह चुका है दोस्तों आज सबसे अहम मसले हमारे सामने हैं जो हम देखते हैं कि महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर हम लोग आवाज़ हमेशा उठाते आ रहे हैं सभी राजनीतिक दल आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई सब ने मिलकर तेईस करोड़ चालीस लाख ,00 वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ नब्बे लाख वोट मिले थे तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके आज इंडिया के इस गठबंधन में ग्यारह चीफ मिनिस्टर शामिल हैं जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि ग्यारह चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है आपने देखा कि मध्य प्रदेश गोवा महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहां पर ज़्यादा अक्सर से हमारी सरकार वहाँ पर कर्नाटक में लोगों ने चुन दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार हमारी एम की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सभी पार्टीज इसमें शामिल है आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव हमारे सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है डेवलपमेंटल अलायंस हम समय कहूँगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है हमने स्वीकार कर लिए इसलिए एक छत्र में सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए धन्यवाद सकता नहीं सिर्फ चौथी राजनीतिक दल इसमें शामिल जो होने वाले हैं वो तो अट्ठाईस है ट्वेंटी एट और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेगी इनका नंबर सिक्सटी थ्री है सिक्सटी थ्री प्रतिनिधि अट्ठाईस होकर पार्टी इनका ये सम्मेलन कल से शुरू से शुरू होगा और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है ये हे के केले मजबूत हो का आणि हेही काम हा करेगे इतना मैं कहता मी और श्री उद्धव ठाकरे इंटेफारसे माहीत आदरणीय पवार साहेब व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी आणि पत्रकार आणि तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि भगिनीनो मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे जसं अशोकरावांनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत त्याचप्रमाणे सुद्धा सर्वांना देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे असा राज्यकारभार करायला पाहिजे असं शासन असलं पाहिजे दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाही आहे मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं एक दोन तीन दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली त्याही सभेत बोललो होतो कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिलकीच बानूकडनं करा आणि मणिपूरमध्ये या दोन महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं केलं गेलं तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत और आप सभी तो जानते हैं की पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोक जो देशप्रेमी है मैंने पहिली मीटिंग मी कि मैं विपक्ष हे शब्द <coughs> मानता नाही हं हम इकट्ठा आए है अपने देश की रक्षा करणे केले रक्षाबंधन देश की रक्षा भारत माता भारत माता की रक्षा करणे केले हम इकट्ठा आए है और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम दो सौ रुपए से कम हो गए शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी सबको फ्री क्योंकि क्योंकि वो सरकार अभी गॅस परसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही नऊ हो आज तक कभी बहिनो की याद आई नाही थी आज अचानक बहिनो की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई क्यू नऊ साल रक्षाबंधन हुआ नाही था भाऊ भाऊ बीच काही नऊ वर्षात झाली नव्हती पण या सगळ्या गोष्टी ये पब्लिक है सब जानती है ये पब्लिक है सब जानती है और कुछ भी करें तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे हैं कल और परसों मुझे अभी अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे हैं महायुति की बैठक करो लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना करना जो काश्त आज संकट में है मैं खुद गया था और अब आप पूरे आप के माध्यम से मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ देखता हूँ पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे इससे कुछ होने वाला नहीं अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूँ बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं परसों वापस हम मिलने वाले हैं लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि हम जितने सारे लोग हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है जरूर है लेकिन उद्देश्य एक है वो हमारे देश की रक्षा करना संविधान की रक्षा करना और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही अगर मैं कहूँ आजादी की जंग जो हुई थी अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ मतलब अपना मुंबई तक शुरुआत होती गावलिया टैंक गावलिया टैंक तो चले जाओ चले जाओ क्यों किसको ब्रिटिश ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना अगर उनको भगाते नहीं हम लोग पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे हमें विकास भी चाहिए लेकिन विकास के साथ साथ हमें आज़ादी भी चाहिए और विकास से भी ज़्यादा ऊंची हमारी आज़ादी है उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं और विचारधारा अलग अलग होगी लेकिन उद्देश एक आहे को तो हम लोकतंत्र मानते हैं प्रजातंत्र मानते मानते हैं है, लोकशाही मानते आहे आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशाहाला बेड्या घालायला देणार नाही ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत धन्यवाद शांत रहा प्लीज सायलेन्स एकच मिनिट तुम्ही फक्त कोणाला प्रश्न विचारणार उद्धव जी उद्धव जी दो सवाल है मेरे एक गठबंधन से जुडे किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी गठबंधन से जुडे

कि हमारी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे एक अरे अरे तैनात बिचार अरे एक मिनट रुको दो आप दोनों बनारस में या जहां से वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे संयुक्त सभा करेंगे अरे चुनाव तो अभी दूर है ना जब की बात तब देखी जाएगी उद्धव जी एक, एक सवाल ये आहे की जिस तरीके जिस तरीके से हम अलग अलग जिस तरी जि, एक, अरे आ, हा महत्वाचा प्रश्न आहे नीती, नीती आयोगाने मुंबईमध्ये विकास करण्यासाठी त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे महाराष्ट्रामध्ये खास करून आता केंद्राचं इकडे या ठिकाणी दखल आहे म्हणजे मुंबईला वेगळं करण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे टाव आहे असं वाटतं का तुम्हाला हां तुमच्या तुमच्या प्रश्नाचा अर्थ हा सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये त्यांना तो समजलेला आहे आणि आता लोकांच्या लक्षात आलं असेल की महाविकास आघाडीचं सरकार का पाडलं कारण मी मुख्यमंत्री होतो माझे सहकारी इकडे बसलेले आहेत अशोकराव आहेत आदित्य जयंतराव आहेत थोरात साहेब आहेत जयंतराव तुम्ही मंत्रिमंडळात नव्हतात नाना तर अध्यक्ष होते पण त्यावेळेलासुद्धा केंद्रात यांचं सरकार असताना असा कोणताही प्रस्ताव आणण्याचं धाडस त्यांनी केलं नव्हतं मुंबई वेगळं करणं आणि मुंबई किंवा मुंबई केंद्रशासित करणं हा डाव आता उघड झालेला आहे हा डाव उघड झालेला आहे पण आम्ही तिकडे सत्तेत असताना हा प्रस्ताव आणण्याची त्यांची हिंमत नव्हती आणि आत्तासुद्धा हा प्रस्ताव आम्ही होऊ देणार नाही ज्या क्षणी आमचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात येईल त्यावेळेला हे सगळे जे काय आहे त्यांचे पाश आम्ही तोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही आणि मुंबईची स्वायत्तता जी आहे महाराष्ट्र आणि प्रत्येक राज्याची स्वायत्तता आहे ती आम्ही आभारीत ठेवू ह्याची सुरुवात दिल्ली दिल्लीपासून केली गेली दिल्लीसाठी जेव्हा त्यांनी तो जो काही एक वटहुकम वगैरे आणला तेव्हाच आमच्या सर्वांच्या मनात भीती होती की हे सगळेजणं कारण आपल्या देशाला आपल्या सरकारला केंद्र सरकार नाही संघराज्य पद्धतीचं सरकार म्हणतो आपण प्रत्येक राज्याला समान अधिकार आहेत अगदी दोन तीन मोजक्या गोष्टी सोडल्या तर आणि तरच केंद्राला त्याच्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे पण हा हस्तक्षेप हा दिवसाकडे ते वाढवत चाललेत राज्यांची आणि शहरांची स्वायत्तता मारून सर्व काही एक छत्रीपणा आणायचा ही छत्री आम्ही तोडून मोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही थोड्या दिवसाची गोष्ट आहे सरकार आमचं दोन्हीकडे आल्यानंतर हे सगळे असे उफराटे निर्णय जे त्यांनी घेतलेले आहेत ते आम्ही पुन्हा उलटे फिरवल्याशिवाय राहणार नाही उद्धवजी उद्धवजी एक उद्धवजी एक स उद्धवजी दो सवाल असा आहे की अरे एक बाकी लोगों हम, को सवाल हम अलग हम अलग अलग विचारधाराओं के साथ एक आए हैं उद्धव जी अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है मराठी होने दो हाँ मैं एकदम मराठी देखिए देखिए पहले देख मराठी देख पूरा होने दो पहले मराठी करो बाद में हिंदी में बोले हाँ मराठी पहले मराठी करो मराठी सर पहले मराठी करो राहुल सर महालो जी एकीकडे ही बैठक सुरू असताना दुसरीकडे याच वेळी म्हणजे 31 आणि 1 महायुतीची बैठक मुंबईत लावून घेतलेली आहे म्हणजे एका बाजूला इकडे हे सुरू असताना राज्यात देखील हीच सेम टाइम बैठक लावणं काय नेमकं म्हणजे मी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे कारण गेल्या वेळेची आमची मीटिंग होती त्यावेळेला एनडीएची मीटिंग लावली होती आणि मी परवाच्या सभेत म्हटलंय की आता एनडीएचा अमिभाग झालेला आहे इंडियाला आता आकार उकार काही शिल्लक राहिलेलं नाही जसा आम्ही भा एक पेशे जीव कसंही त्याला आकार उकार दिला जातो तशा प्रकारे आता इंडिया आहे सर एक असा प्रश्न आहे की साधारणतः चार राज्याच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होत आहेत कुठे आणि चार राज्यात तुम्ही जर कोणाला प्रश्न विचारणार सांगा सगळ्याची उत्तर दोघांना पवार साहेबांना आणि तुम्हाला एक प्रश्न आहे की चार राज्याच्या निवडणुकांच्या सोबतच लोकसभेची निवडणूक लागण्याचे देखील संकेत दिले जात आहेत आणि अशा वेळेस तुमच्या या इंडिया आघाडीच्या जागा वाटपाचा जो वेळ असेल किंवा वाटपाची चर्चा असेल त्यासाठी राज्या राज्यात कमिट्या नेमण्यात ने आलेत का किंवा त्या चर्चा एकत्र आत्ता होणार आहेत का असं आहे की आम्ही जागा वाटपाची चर्चा सुरू केली आहे आमच्या पहिल्या दोन ज्या बैठका झाल्या त्या महत्त्वाच्या होत्या आणि उद्या इथून आपला सामूहिक कार्यक्रम काय असावा याच्यासंबंधीची चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि त्या शक्यतेच्यामध्ये जर असा निर्णय झाला तर काही लोकांच्या ही जबाबदारी टाकली जाईल की तुम्ही अन्य राजकीय भाषांशी डायलॉग साधा आणि याच्यातून आपण एकत्र जाऊ शकतो का या त्यासंबंधीचा अभ्यास कर प्रश्न असा आहे की तुमची उद्धवसाहेबां तुम्हाला प्रश्न आहे आपली प्रकाश आंबेडकरांसोबत युती आहे मात्र त्यांचं असं म्हणणं आहे की मला या आघाडीचं निमंत्रण देखील नाही आहे मी महाविकास आघाडीत देखील नाही आहे एकूण युती आहे की नाही ते तुमचे प्रकाश आंबेडकर आणि आमची युती गेल्या तेवीस जानेवारीला आम्ही जाहीर केलेली आहे साहजिकच एक त्यांची गोष्ट बरोबर आहे की शिवसेना आणि प्रकाश आंबेडकर यांची युती आम्ही जाहीर केलेली आहे आता या इंडिया बैठकीत किंवा इंडियाच्या आघाडीत येण्यासाठी त्यांची सुद्धा इच्छा आम्हाला प्रकाश आंबेडकरजींशी बोलून विचारावी लागेल आणि एकदा आम्ही एकत्र एक आल्यानंतर ते एकमेकापासून वेगळे होण्यासाठी एकत्र येत नाही त्यांना सुद्धा व्यवस्थित त्यांच्याशी चर्चा करून जर त्यांची तयारी असेल तर ते सुद्धा मा या आपला म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आणि देशात इंडिया याच्यामध्ये ते पण येऊ शकतात उद्धव साहेब उद्धव साहेब इकडे इकडे हां okay, मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आणि त्यामध्ये ही इंडियाची बैठक होते आगामी काळात मुंबई महानगरपालिकेची देखील निवडणूक होऊ घातलेली आहे तर अशा असं वाटतं तुम्हाला कारण ज्या पद्धतीने चाललेलं आहे ती पद्धत त्यांना निवडणूक घेण्याचं धाडस ते करतील असं मला वाटत नाही आणि आता जो आधी प्रश्न विचारला होता पवारसाहेबांनी त्याचं उत्तर दिलं की चार राज्यांसोबत लोकसभा मी म्हणतो त्याच वेळेला महापालिका पण घ्या याचा परिणाम दिसेल आपल्यासाठी फायद्याचा परिणाम नक्की दिसणार आहे कारण लोक वाट बघतायत धन्यवाद आणि पवार साहेब सवाल पवार साहेब एक सवाल असा आहे उत्तर प्रदेश मध्ये मायावतींनी असं डिसिजन घेतलाय की ते तटस्थ राहणार आहे या सर यामुळे इंडिया आघाडीला काय वाटते म्हणजे मायावती तटस राहणार आहे उत्तर प्रदेश मध्ये लोकसभाची जास्त सीट आहे की नक्की कोणाच्या एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहे आम्हाला असं आहे की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे ते आज ठेवतील असं मी म्हणत नाही पण या सगळ्या गोष्टीची स्पष्टता जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत याच्यावर निर्णय घेणं अशक्य आहे एक सवाल ये है कि पवार साहब आपसे और उद्धव जी आपसे दोनों लोगों से क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं का अलायंस है तो ऐसे में इस पूरे चीज़ों को जब आगे बढ़ेगा तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लगातार चल रहा है तो उसको लेकर क्या संयोजन समिति अलग से बनाई जाएगी और दूसरा सवाल यह है कि विपक्ष जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लगातार आप लोगों पर कह रहे हैं कि अभी तक कोई चेहरा आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे तय कर लेंगे बात ऐसी है कि अलग अलग ख्वाचीज है यह बात सच है मगर बैठ कर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन हो गया हम तैयार कर सकते हैं और मिनिमम एड हो गया इसके आधारित हम बनाने के लिए चॉइस बहुत है सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव चुनाव जितना है क्योंकि कर्नाटक में तो देखा देखा अपने। कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है क्या कौन बनेगा जो करोड़पति ने <laughs> दोनों क्या इसी डर से क्या इसी डर से लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा चुनाव हम एक साथ नहीं कराएंगे क्योंकि उनका एंटी इनके जो है वो नेशनल वाइड पर ना पड़े ऐसी उनको डर है क्या उनको अभी उन, उनके मन की बात मैं कैसे समझू वो तो टीवी पे होती रहती है साहेब मला प्रश्न विचारायचा आहे की आ, इंडिया अलायन्सच्या बाबत थेट पंतप्रधानांपासून ते अमित शहा हे थेट आरोप करतात की एकतर भ्रष्टाचारी आणि घराणेशाही अशा स्वरूपाची ही अलायन्स आहे याला प्र उत्तर काय तुमचं आणि पहिल्यांदा येषण वफालसाहेब ऐकलं आणि वफालसाहेब भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली भ्रष्टाचाराची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका केली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका करत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक आणि इरिगेशन घोटाळा या दोन गोष्टी कथाक्षाने <laughs> त्यांनी सांगितल्या माझा आग्रह एक असा ते प्रधानमंत्री आहेत देशाचे जिथं सत्तेचा गैरवाफर झाला अशी माहिती त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी सखोल चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती समोर ठेवा नुसता आरोप करण्याचा अर्थ नाही तुमच्या हातात सत्ता आहे त्याची चौकशी करा आणि सांगा वस्तुस्थिती काय पवार साहेब एक प्रश्न असा आहे साहेब साहे, साहे, आपल्यासोबत आपल्या काही सहकारी बाजूला गेले त्यामुळे अनेक लोक आपल्या संभ्रमणात आहे जे काही पार्ट्याज आहे देशभरामधले त्यांचाही संशय आहेत की साहेब आमच्यासोबत आहेत आणि आमचे त्यांचे काही सहकारी भाजपसोबत आहे

लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के नेता कहते आए हैं एक कि लगातार आज, बना आज की हुआ जो पत्रकार परिषद है ना वो इंडिया के बारे में है अपने देश के बारे में है तो हम हाँ लोग तो मिलते रहते उस वक्त सारे सवाल जवाब होते हो सकते हैं पवार साहब पवार साहब प्रश्न ऐसा है पवार साहब अपन सग विरोधी पक्ष सग पक्षापन उन्होंने मुझसे बात की है और उनकी तैयारी है हम लोगों के साथ जाने की तो ये कोई अकेला इस पर डिसीजन ले नहीं सकता इस पर कांग्रेस के साथ बात करनी होगी उद्योग जी के नेतृत्व तो वाले शिवसेना के साथ बातचीत करनी होगी और इस पर कलेक्टिव डिसीजन होगा जब तक कलेक्टिव डिसीजन होता नहीं तब तक इन लोगों का जो सुझाव है इसका स्वीकार करना हमें मुश्किल है क्या साहब और बीआरएस को लेकर बातचीत चल रही आपकी उद्धव जी पवार साहब क्या बीआरएस आर इंडिया बैठक की होगी मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि कन्वेयर को लेकर के संयोजक को लेकर के जो चर्चा चल रही थी बताया जा रहा है क्लैरिटी हम चाहते हैं कांग्रेस कहती है कि हम टीएमसी और दूसरे नेताओं के अंडर में काम नहीं कर सकते दूसरी पार्टी कहती है लेकिन एक बात आपको रखना चाहिए शायद मैंने का कौन है, मुझे तो पता नहीं आपके पास अगर जानकारी होगी तो आप दे दीजिए अकाली दल ओसी पिछले बैठक में पिछले बैठक में पिछले बैठक में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी कमेटी बनाई जाएगी संयोजक सयूज, पर भी संयोजक पिछले बैठक में तय हुआ था कि मुंबई के बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी सभी लोगों की या फिर संयोजक जो है उस पर चर्चा होगी क्या ये दोनों मुद्दे होंगे जो अलग अलग नाम और आ रहे कोई संयोजक चुना जाएगा एक पहला सवाल है नहीं इसलिए तो मैंने पहले शुरुआत में कहा ना कि परसों हम दोबारा मिल रहे हैं और उस वक्त कल और परसों जितनी सारी बातें होगी आपके माध्यम से पूरी जनता देश की जनता के लिए हम सबके सामने साहेब उद्धव साहेब दोन लागतात की इंडियाची बैठक आहे इंडियाच्या विषयावरती बोललं पाहिजे आज सगळं आहेत पण सातत्यानं सामनामधून शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावरती सातत्याने टीका केली जाते हा विसंवाद का आहे की कुठेतरी सतत टीका होते आणि तुम्ही जेव्हा आम्ही आमचं वैशिष्ट्य आहे ज्यांच्या सोबत असतो त्यांच्यावर टीका करतो आणि दुसरा पवार साहेब पवारसाहेब गोष्ट आहे तुम्ही तुम्ही तुमच्या निर्धियातन टीका केली म्हणून आम्ही काम करायचं थांबवायचं का तुम्ही तुमचं काम करा आम्ही आमचं काम करत शिवसेनेचे नेते मागणी करतात की उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधान पद से उम्मीदवार शपथ पवार दो चीजें सर क्या बी आर एस अकाली दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं बातचीत चल रही है पवार साहब लाल सभी तक हुई नहीं मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते मगर इतना वो आसान नहीं क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है कांग्रेस पार्टी की वह नीति अलग है और इसलिए हम जिससे हमारे डिफ्रेंसेस बढ़ेंगे, ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे उद्धव उद्धव जी, सभी जी, जी, को, को धन्यवाद उद्धव जी, मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने